हेलो बच्चों, शुरू करते हैं नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज हम इसमें ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। देखो, आपको अच्छी तरह से याद है, किसी भी डिवाइस को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फ्यूज़। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली फ्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, सेकंड वाले के। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, सिक्स सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड शोन इन फिगर। देखो, सिक्स बल्ब यहाँ पर कनेक्टेड हैं, दो सर्किट है इसमें, ए बी, दो तीन तीन दोनों के अंदर कनेक्ट किए गए हैं, और इनका जो ईएमएफ है वो ई है और जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको क्या बताना है, द रेशियो पावर कंज्यूमशन बाय द बल्ब। ठीक है, ये आपको रेशियो दिया गया है पावर कंज्यूमशन का। तो क्या है, बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन जिसके साथ आपको रेशियो निकालना है, उसका मतलब है कि जिसमें सेक्शन ए के व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से टू बल्ब्स, और व्हेन वन फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन बी से वन बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा अपन करते हैं सेक्शन ए पर, सॉरी सेक्शन ए से सिचुएशन ए पर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन, ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, उस सिचुएशन में देखते हैं। अब आप देखो, यहाँ से जो इससे बैटरी से जो आपका करंट ई आया है, वो करंट आई यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और तीनों बल्ब्स, अब मैं देखो ये यहाँ पर पैरेलल कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर करंट जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आई अपॉन थ्री, आई अपॉन थ्री, यहाँ पर अपन ने तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो अब सेक्शन ए के अंदर अगर पावर कंज्यूमशन देखो तो क्या हो जाएगा, फार्मूला देखो, पावर का पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, सभी को पता, यानी के आई स्क्वायर आर होता है, यानी आई का स्क्वायर, यानी आई अपॉन थ्री का स्क्वायर आर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, आई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ये नाइन हो गया एन टू आर, पर ये तो ओनली वन बल्ब के लिए निकला, मुझे तो थ्री बल्ब है, तो तीनों बल्ब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, यानी ये हो गया आई स्क्वायर आई बाय थ्री। ठीक है, तो क्या आया अपने पास, आई स्क्वायर आर बाय थ्री। ठीक, कौन से, ये सेक्शन ए के लिए आया। इसी टाइप से सेक्शन बी का भी सिमिलर इतना ही होगा, क्योंकि सेम करंट वहां पर भी पहुंच रहा है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 आई स्क्वायर आर। ठीक, ये पहली सिचुएशन हो गई आपकी, कौन सी, सारे बल्ब जब ग्लो कर रहे हैं उस कंडीशन की, इसको मैं P1 दे दिया। ठीक, अब आप देखो कि सेकेंड सिचुएशन में उसने आपको बोला कि पहले ए वाले सेक्शन से कितने बल्ब ग्लो करेंगे, टू बल्ब्स, तो एक बल्ब को मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। सेकेंड वाली सिचुएशन से कितने बल्ब ग्लो करेंगे, केवल वन बल्ब ग्लो करेगा, इसीलिए मैंने वहां पर एक ही बल्ब रख दिया। अब देखो, यहाँ पर ये दोनों बल्ब पैरेलल कनेक्टेड है, यहाँ पर करंट आपका हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पावर कंजम्पशन देखेंगे पहले वाले सर्किट में तो आई स्क्वायर बाय टू होगा, तो आई बाय टू का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, और इंटू आर, और यहाँ पर आप काई का इंटू कर देंगे, टू का इंटू कर देंगे, तो ये आया आई स्क्वायर आर बाय टू प्लस यहाँ पर ये वाला जो बल्ब है। अब यहाँ तो करंट आई ही आ रहा है टोटल, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर अपन सम करके देखें तो ये हाफ है और ये वन है, हाफ और वन क्या हो गया, 3/2 आई स्क्वायर आर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये P2 वाला आया आपके पास 3/2 आई स्क्वायर आर, और P1 वाला था 2/3 आई स्क्वायर आर, तो दोनों का आप रेशियो निकाल लो, 2/3 बाय 3/2, तो कितना हो गया ये, 4/9, यानी 4:9 आपका इसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड वाले। थर्ड वाला है आपका, इन द सर्किट शोन
बिलो फिगर, ये फिगर है आपके सामने, रीडिंग द वोल्टमीटर ऑफ द एमिटर एंड वोल्टमीटर। तो एमिटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स के बारे में रिलेशंस नीचे दिए गए हैं कि V1 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा, या I1 ज़्यादा होगा, I2 ज़्यादा होगा। तो देखते हैं दोनों सर्किट्स को ध्यान से। पहले सर्किट्स में यहाँ पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ वोल्टमीटर को पैरेलल में बताया गया। तो ये वोल्टमीटर कितने रीडिंग बता रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वोल्टमीटर का जो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आपका जीरो होता है। ठीक है, आप देखिए, आप यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला और ये वाला दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि आइडियल वोल्टमीटर मान के चल रहे थे इनफाइनाइट और 10 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अपन रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/10 + 1/∞। तो टोटल कितना आ गया? 1/10, यानी कि R इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 10 ओम। ठीक, R आपके पास 10 आ गया, और आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट क्या हो जाना है? करंट आपका हो जाना है, करंट आपका हो जाना है V/R। ठीक है, तो V आपके पास यहाँ कितना है? V हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट का आपने अप्लाई किया है, यानी 10/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 एम्पेयर आ गया। ठीक है, और वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR, I अपने पास 1 और R अपने पास 10, तो ये हो गया आपके पास 10 वोल्ट। तो पहली सिचुएशन में यानी सर्किट ए में करंट आपका आया 1 एम्पेयर और वोल्टेज आया आपका 10 एम्पेयर। तो यहाँ पर मैं करंट अलग से लिख देता हूँ, करंट जो है आपका हो गया I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर और वोल्टेज हो गया आपका 10 वोल्ट। ये किसके लिए है? पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये तो 10 और ये 10 और ये देखो वोल्टमीटर, दोनों 10 ओम रेजिस्टेंस साथ वोल्टमीटर क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इनके साथ ये एक और 10 क्या है? पैरेलल में। तो 1/10 + 1/10 + ∞, पिछली बार की तरह ही। अब ये वाला सिचुएशन आपका जीरो हो गया, मतलब R आपके पास अब की बार भी 10 है। वोल्टेज फिर 10 अप्लाई किया गया, मतलब कि यहाँ पर आने वाला करंट 1 एम्पियर है और वोल्टेज भी आपका 10 वोल्ट ही आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम आई है। तो V1 और V2 का वैल्यू सेम आएगा, I1 I2 का वैल्यू भी सेम आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ वाला है, ए सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और फिर उससे करंट ड्रॉन हो रहा है, वो आई करंट ड्रॉन हो रहा है। उसके बाद फिर एन रेजिस्टेंस पैरेलल इन सेम बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं, जो करंट ड्रॉन किया गया है वो 10 आई किया गया है, और वैल्यू ऑफ एन यानी कि सेल का नंबर चाहिए। चलो पहले वाले का करंट का फार्मूला निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। आई गिवन है आपको करंट, इसके लिए आपके पास ईएमएफ ई होता है। एन सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, इसीलिए टोटल आपके पास हो गया ये एन आर, और टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? एन आर प्लस आर हो गया। ठीक, दूसरी सिचुएशन पर बात करें, जिसमें आपने रेजिस्टेंस को क्या कर रखा है? पैरेलल में कनेक्ट किया है, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये 10 I, यानी कि ई अपॉन, अब आपके पास ये क्या हो जाना है बच्चों? R/N + R। ठीक, ये पैरेलल में, इसलिए R/N आ गया। चलो इस सेकेंड वाले इक्वेशन को इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से आप डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो देखो, ई से ई तो कैंसिल होना ही आपका। अब ये आपका अपॉन में आ रहा है, तो अपॉन के अपॉन में होने के कारण क्या होगा? फ्रिक्शन अपोजिट होगी तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपका 10 इज इक्व टू 1/1/N+1 R। इस R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है आपका 10 इज इक्व टू आएगा N+1/1/N+1। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो 10 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये आने वाला है आपका वो N+1 10/N+1। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो अब ये आपका हो जाना है N-10/N
ठीक है, और 10 माइनस 1 इधर ये 9 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये 9n, तो यहाँ पर बन रहा क्वाड्रिक इक्वेशन, -9n - 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, तो क्वाड्रिक इक्वेशन देखो 10n और -10n + n करके एक निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू, एक तो आपका 10 आएगा और एक n इज इक्वल टू -1 आएगा, तो -1 तो आपके ऑप्शन में है नहीं तो छोड़ देंगे, n इज इक्वल टू आपका 10 ऑप्शन में है सी वाला, इसलिए आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ वाले पर। ठीक है, फिफ्थ वाला है, ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर एन ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर एच, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है, और विच आर कनेक्टेड इन सीरीज टर्मिनल द बैटरी ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड करंट आई मेजर्ड, विच ऑफ द ग्राफ शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आई एंड एन, आई और एन में रिलेशंस बताना है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बीच और करंट के बीच में आपको रिलेशंस बताना है। ठीक है, बहुत सरल है, देखो अब अपने पास जो सिचुएशन आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, जीरो है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कहाँ कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं इसके लिए करंट के लिए पहले निकालू फॉर्मूला, तो करंट के लिए एन सेल है, इसीलिए एन सेल का ईएमएफ आपका कितना हो गया, एन ई हो गया, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन सेल के लिए क्या हो जाएगा, एन आर, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है इसलिए प्लस जीरो कर देंगे, लास्ट में एन आर से एन आर कैंसिल होना ही है, तो इसीलिए आपके पास क्या आना है बेटा, यहाँ पर ई अपोन आर आना, यानी करंट आपका क्या आ रहा है, ई अपोन आर आ रहा है, सो करंट इज कॉन्स्टेंट, सो करंट इज कॉन्स्टेंट, तो करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सी सिचुएशन, ये सी वाला ग्राफ आपका होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाले की अगर बात करें, तो 6 वाले में है, एक कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ 47 + 4.7 किलो ओम इज मार्क विथ रिंग डिफरेंट कलर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो द कलर कोड सिक्वेंस विल बी, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं कार्बन कोड वाले, तो इसके लिए एक टेबल्स की जरूरत लगती है, उस टेबल्स के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ पहले यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वैसे आपको याद होगी, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, पूरा नहीं लिखा, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब देखो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज और येलो, ठीक, और इनके साथ क्या चलते हैं, इनके नंबर्स चलते हैं, नंबर्स कैसे चलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 5, ये 6 और ये 7। अभी अपन नंबर चेक कर लेते हैं पहले जो अपने पास है, अपने पास यहाँ पर एक तो 47, देखो 47 किलो ओम है, इस चीज को ध्यान से देख लेना, किलो है यानी कि 47 × 10³, ठीक है, और 4.7 किलो मतलब कि जो, सॉरी 4.7 ये परसेंटेज होता है, तो 4.7 मतलब से 47 का 4.7 कितना हुआ, 47 का 4.7 10% हो रहा है ना, ध्यान रखना। अब इसमें अपने को 4 और 7 और 10³ तीन के लिए चाहिए होता है, तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आपका जो आ रहा है, सबसे पहले बात करें फोर्थ नंबर पर आपका आ रहा है येलो, ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपका येलो कलर आ रहा है, सेवन नंबर पर आपका वॉयलेट कलर आ रहा है, वी फॉर वॉयलेट हो जाएगा, और ये थ्री थ्री मतलब कि तीसरे नंबर पर आपका कौन सा कलर आ रहा है, ये देखो तीसरे नंबर पर आपका यहाँ पर ऑरेंज आ रहा है, तो ये तीनों पेयर ढूंढो पहले, येलो, ठीक है, फिर आपका वॉयलेट येरा, और येरा आपका ऑरेंज, ठीक। अब ये चौथा जो है ये कौन सी स्ट्रिप आएगी वो मैं भी बताता हूँ आपको, जो तीन कलर्स आपको बी वाले ऑप्शन में मिल गए, ठीक है, ये वाले और कोई पेयर है ऐसा कैसा पेयर आपका, एक और सी वाले में भी है, अब आपको चौथा ढूंढना पड़ेगा है ना, कि इसमें कौन सी सिल्वर वाली स्ट्रिप है कि गोल्ड वाली स्ट्रिप है, अब दो ही ऑप्शन आपके बचे हैं जो करेक्ट हो रहे हैं, इन दो में से एक है अब आपका, तो अब आप कैसे पता पड़ेगा, तो चौथे वाले के लिए मैं आपको बता दूं,
उसके लिए वैसे ट्रिक होती है, बट मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बताता रहा हूँ। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर लास्ट में होते हैं। तो सबसे पहले इनमें होता है गोल्ड के लिए 5% होता है, सिल्वर के लिए 10% होता है, और नो कलर के लिए आपके पास 20% होता है। तो यहाँ पर आपका 10% वाला, यहाँ पर अपन ने 4.747 का 10% था, तो यानी कि आपका कौन सा सिल्वर वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 वाला, ठीक है। तो 7 पर बात करते हैं। 7 पर अब आप देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ओम इज मेल्टेड स्ट्रेस एन टाइम ओरिजिनल लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस विल बी। वैसे ऐसे क्वेश्चंस का जो स्ट्रेस करके जिनका लेंथ बढ़ता है उसका एन स्क्वायर टाइम हो जाता है, मतलब जो भी होता है उसका टाइम्स हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्यूशंस बता देता हूँ। सॉल्यूशंस क्या होगा इसका, देखो कभी भी आपको जब भी वायर को अपन खींचते हैं उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो लेंथ जब एन टाइम्स होगी तो उसका एरिया जो है एन टाइम इंक्रीज करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एन टाइम उसका डिक्रीज होगा, एरिया एन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखेंगे। और रेजिस्टेंस जब आप निकाल रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा आर एन, एल हो गया एन टाइम्स हो गया, एल अपॉन ए होता है रेजिस्टेंस के लिए रो, ठीक है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है, अपॉन जो एरिया है वो कितने टाइम डिक्रीज हो गया आपका ए अपॉन एन, ठीक है। ये एन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एल अपॉन ए, ठीक है। तो कितना टाइम्स हो गया, ये एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो आपका पर आप तो डायरेक्टली याद रखिएगा हमेशा, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाले की तरफ बात करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ए पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट और वर्सटाइल डिवाइस मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज मेथड इन्वॉल्व्स सेल्स हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईएमएफ मेजर करने, एक्यूरेट मेजर करने का डिवाइस पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप उसमें देखते हैं, सबसे मुख्य पॉइंट है इसका नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। मतलब जहां सबसे पहले अपन इसमें ढूंढते हैं जीरो डिफ्लेक्शन, तो जहां यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन कब मिलता है, जब उसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा हो, यानी ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी सी वाली कंडीशन इसके लिए एक्यूरेट है इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका होगा। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, मैं कई बार बताना रह जाता है कि भाई कब आया है, तो आप इसके पीछे लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो भी आपका नीट 2016 में आया हुआ है, और इसको देखते हैं अपन। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, वी ए और वी बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ आपके लिए, अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शंस के लिए अपन फिर अगेन से इसको ले लेंगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर है, यहाँ पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है का रेजिस्टेंस है। तो इस VA और इस VB के बीच में आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहली चीज मैं इसको क्लियर कर दूं। अब देखो वोल्टेज निकालना है, और आपको इसके लिए किर्चॉफ्स का लॉ लगा देना, सिंपल सी बात है। करंट I आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर वन प्लस आर टू कर दूंगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसमें पहला डिवाइस कौन सा आ रहा है, पहला आपका प्लस आ रहा है, इसलिए प्लस 3 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो आई आपके पास करंट कितना एम्पियर का, यहाँ 2 एम्पियर का। रेजिस्टेंस आपका 2 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 3 प्लस 3, 6 और 3 कितना हो गया, ये टोटल आपका 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ढूंढ लेते हैं अपन, इसमें 9 वोल्ट कहाँ पर है, तो देखें ये आपका यहाँ पर 9 वोल्ट मिल गया आपको, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका बेटा, बी वाला। बहुत इजी था, किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ से आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 वाला, ठीक। अब अपन जो ओल्ड ईयर्स में तो नहीं आए हुए हैं, पर जो पॉसिबल हैं कि जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा कम भी हो सकता है, पर ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो आ सकते हैं, ठीक है।
व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर लेंथ 0.1 मीटर, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.5 10 रेस टू माइनस 4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है वायर की है। अपने को बताना है यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज क्लोज टू, ठीक। एक तो अपने पास क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट, ठीक। एक वायर का लेंथ गिवन है 0.1, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी आपके पास गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नंबर उसके जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ डेंसिटी, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। तो ये दिए हुए अपने को यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टिविटी यानी कि रो निकालना है, ठीक है। तो रो निकालने के लिए सबसे पहले देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पर, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जिसके अंदर आ जाए, तो एक तो रिलेशन होता है आपका करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो उसका यूज होगा यहाँ पर। और एक वोल्टेज के लिए अपन वी इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं बच्चों, IR यूज करते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे इसमें IR ले लेंगे, और R की जगह अपने पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो I यहाँ पर रो L बाय A, ठीक है, ये हो गया। अब आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, N E A V D होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, कौन सी, N E A V D की, ठीक है। तो अब आप वोल्टेज में यहाँ पर, ठीक है, ये आई के प्लेस पर पुट कर रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू अब अपने पास ये हो जाना है देखो, N E V A V D है ना, और रो L बाय A, ठीक। अब देखो इस A से A ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास जो आ गया यहाँ पर N रो L V D, याद रखिएगा N रो L V D, तो पोटेंशियल हो गया आपके पास अब आपका V इज इक्वल टू एन रो एल वी डी, ठीक है। और एक और कुछ छूट गया अपने पास, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, रो निकालना है, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों V अपॉन एन एल वी डी ई, ये एक बार और फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो अगेन से लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम पड़ता है, ठीक है, स्क्रीन छोटी है थोड़ी, तो रो इज इक्वल टू वी अपॉन एन एल बी डी इंटू ई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, देखो वोल्टेज आपके पास कितना था बच्चों, यहाँ पर था 5 वोल्ट, ठीक। उसके बाद अपन ने जो डेंसिटी देखी थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने थे आपके पास, 8 इंटू 10 रेस टू 28 इंटू एल था आपके पास 0.1, और वी डी आपका कितना होता है दिया हुआ है देखो 2.5 10 रेस टू माइनस 4 है ना, और उसके बाद आपके पास जो ई का वैल्यू है वो 1.6 10 रेस टू माइनस 19, ठीक है। तो इसका आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। तो अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसका जो रो आएगा वो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए 1.6 10 रेस टू माइनस 5 ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 वाला, ठीक है, 11 वाला है आपका। इफ ए कॉपर इज स्ट्रेस इंक्रीज बाय लेंथ 0.1% इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो ये एक टाइप ये एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपन ने यूनिट एंड डाइमेंशंस में मैंने बताया था, आर इज इक्वल टू होता बच्चों रो एल बाय ए, और इसके लिए अपन ने अभी मैं पढ़ा है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है, जितने टाइम्स वो करता है अपन, तो ये एल स्क्वायर होता है। तो अब इसका जब आप एरर्स में फॉर्मूला अगर देखें तो डेल आर बाय आर और टू इंटू एरर हो जाएगा डेल एल बाय एल, कितने परसेंट एरर बताएगी यहाँ पर, 0.1% स्ट्रेस किया है, तो यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे 0.1 कर देंगे, तो ये आना है आपका 0.2% यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसका ए वाला क्वेश्चन है और इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट 11th की, इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए रजिस्टर 200 ओम रजिस्टर हैज बीन सर्टेन कलर कोड, वन रिप्लेस द रेड कलर बाय ग्रीन इन द कोड और न्यू रेजिस्टेंस
विल बी, देखो ये अभी फिर बीबी रॉय वाला ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला यहाँ पर आ गया है ना। तो वापस से मैं याद दिला दूं आपको एक बार, बीबी रॉय है ना और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो अपने पास जो है मैं जितनी जरूरत है उतने लिखे, बीबी यानी के बीबी रॉय, ठीक है। तो 0, 1 और 2, ठीक। 2 मतलब आर। अब 2 को किससे रिप्लेस कर रहा है, रेड कलर से ग्रीन कलर। जो देखो, इफ वन रिप्लेस द रेड कलर बाय ग्रीन कलर, मतलब ये जो 2 है ये रेड का है, ठीक है, और रेड को रिप्लेस करना है आपको ग्रीन से। तो ग्रीन का कोड क्या आ रहा है, देखो 3, 4 एंड ये हो गया आपका 5। तो 2 की जगह कितना रख देना है आपको, 5 रख देना है। 2 की जगह आप 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 500 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट फाउंड नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक। सेल शंटेड रेजिस्टेंस है 5 ओम, जो बैलेंस पॉइंट है इसका 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और आपको ऐसी सिचुएशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है E/V-1, और इसके लिए अपन ने जो प्रैक्टिकल में सॉल्व करके निकाला था वो आपके पास था R = L1/L2-1। ये फॉर्मूला अपने पास निकाला हुआ है बैलेंसिंग लेंथ के फॉर्म में। तो अब आप सबसे पहले देखो, इसमें शुरुआत में L1 आपका 52 सेंटीमीटर, 5 ओम आपका ये R रेजिस्टेंस शंटेड वाला, और 42 सेंटीमीटर आपका L2 है, ठीक है। याद रख लेना है सारी वैल्यू, 52 आपका L1 और L2 40 सेंटीमीटर और R आपका 5 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस बन जाए। अब फॉर्मूला हो गया आपका R = L1/L2-1, R है आपका 5 और ये आपका हो गया 52/40-1। इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा आपका 26/20-1, ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 6/20, तो 5 × 6/25 से हो गया 4 और 4 से हो गया ये 3/2, 3/2 यानी कि 1.5। देखो ये 1.5 यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 14 वाले क्वेश्चंस की बात करें। इस फिगर के अंदर आपको बताना है कि इन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करें इस सर्किट का, ये जो हिस्सा है मैं बात कर लेता हूँ एडीसी और एसी को ले लेते हैं ना, इतना हिस्सा निपटा देते हैं। तो अब ये देखो 3 और 7 कौन से में है, सीरीज में, इसके साथ 10 काई में है पैरेलल में। तो देखो ये तो हो गया आपका 3+7 × 10/10+10, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 10/20 और ये हो गया 5 ओम। तो ये जो आपका कौन सा पूरा एडीसी और एसी, मतलब ये पूरा जो मामला था आपका ये वाला, तो ये हो गया आपका 5 ओम। यहाँ पर आपका एक 5 ओम आ रहा है, अब ये 5 ओम और ये 5 ओम, अब ये क्या हो गए आपके सीरीज में हो गए, और इनके साथ जो है 10 ओम आपका पैरेलल में हो गया। तो 10 × 10/20, ठीक है, सॉल्यूशन वैसा वैसा आ गया दोबारा से, यानी कि 5 ओम, यानी कि बी वाले का आंसर हो गया आपका 5 ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 15 वाला, तो 15 वाला तो काफी इजी है, केवल पढ़ते से आंसर आप बता देंगे इसका। तो फॉर द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन, टेम्परेचर 300 to 400 केल्विन रेंज का है। तो देखो आपको एक चीज तो पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, और कॉपर का जो होता है
लीनियरली जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, जबकि जो अपना सिलिकॉन है उसका रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपका बी वाला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।